नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। कौन मारेगा बाजी में आज हम बात करेंगे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र के बारे में। आज हम बात करेंगे हिसुआ विधानसभा क्षेत्र की और जानेंगे यहां की राजनीतिक इतिहास एवं मौजूदा हालात के बारे में। हिसुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नवादा जिले में है। यह नवादा संसदीय क्षेत्र का भाग है। मौजूदा समय में इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनिल सिंह विधायक है। अब बात साल 2015 की करें तो मौजूदा समय में इस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अनिल सिंह विधायक थे। अनिल सिंह भाजपा से रहे हैं और इस चुनाव में उन्हें 82,493 वोट हासिल हुए थे। वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जदयू से कौशल यादव रहे थे, 70,254 वोट मिले थे। वोटों के अंतर को देखा जाए तो 12,239 वोट के अंतर से जदयू के कौशल पीछे रह गए थे। हालांकि इस सीट पर कड़ा टक्कर रहा था। साल 2010 की बात करें तो हम साल 2010 के चुनाव परिणाम की तरफ चले तो इस चुनावी साल में भाजपा और लोजपा के बीच कड़ा मुकाबला रहा था। भाजपा के अनिल सिंह विधायक रहे थे तो वहीं लोजपा से अनिल महतो उपविजेता रहे हैं। अनिल महतो को 39,132 वोट प्राप्त हो सका। साल 2005 की अगर हम बात करें तो इस चुनावी साल की तरफ चले तो इस साल यहां फरवरी महीने में कांग्रेस से आदित्य सिंह विधायक रहे थे। इसके साथ ही अक्टूबर में अनिल सिंह भाजपा से विधायक निर्वाचित हुए थे। 2000 के चुनावी नतीजों को देखें तो इस साल निर्दलीय उम्मीदवार का परचम लहराया था। निर्दलीय उम्मीदवार आदित्य सिंह विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 1995 और 1990 के नतीजों की तरफ चले तो इस दोनों वर्ष में कांग्रेस का कब्जा रहा था। कांग्रेस के टिकट से आदित्य सिंह विधायक रहे थे। विकास कार्यों की बात करें तो अगर हम बढ़ते हैं हिसुआ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की तरफ, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा किया गया है। सड़क, पुल, सिंचाई से जुड़ी योजना को कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा पावर सबस्टेशन की भी स्थापना हुई है। बिजली और पानी की समस्या को निपटाया गया है। शिक्षा के मामले में भी स्कूल में विकास कार्य करवाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी आवश्यक सुधार की तरफ फोकस हुआ है। चुनावी मुद्दों की तरफ देखें तो युवाओं के लिए रोजगार आवश्यक है, वहीं किसानों के लिए भी आवश्यक सुधार होने की जरूरत है। महिला के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है, वहीं महिला सशक्तिकरण भी मुख्य मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें तो इस बार भाजपा से अनिल सिंह मैदान में है, वहीं कांग्रेस ने नीतू कुमारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब यह तो वक्त बताएगा कि भाजपा अपना सीट बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस द्वारा यहां कुछ उलटफेर किया जाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।